हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। मंडे मोटिवेशन की सीरीज में आज है आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल। आज का ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन यूथ को और उन सभी लोगों को जो जीना चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन प्रियंका। प्रियंका से हम जानेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए आज हम वेलकम करते हैं फ्रेश लर्निंग एकेडमी में डाइटिशियन प्रियंका का। वेलकम प्रियंका। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम हर हर कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस को फील करता है। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है। बट यहाँ पर हम जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो हमारे यूथ और यंगस्टर्स के बिहाफ में कर रहे हैं, उनमें जो स्ट्रेस देखे जाता है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन स्ट्रेस। वॉट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। द बॉडी रिएक्ट टू डीप चेंजेस विथ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है स्ट्रेस हमारी लाइफ में। स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे बॉडी से, हमारे थॉट्स से, कहीं से भी हमको स्ट्रेस के वाइब्स मिल सकते हैं। हमारी थॉट्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न होती है हमारी लाइफ में। एक्चुअल द ह्यूमन बॉडी जो है इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि स्ट्रेस को एक्सपीरियंस भी करे और उस पर रिएक्ट भी करे। सो समटाइम्स स्ट्रेस जो होता है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू फील इज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेज एंड योर परसेप्शन टू दो सर्कमस्टेंसेज। तो हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेस मैनेज करने की क्षमता उसकी अलग अलग होती है। ये बेस करता है उसकी खुद की पर्सनैलिटी पर, उसके अपब्रिंगिंग पर, उसके जीवन के अनुभवों पर, उसकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस है उस पर। तो समटाइम्स स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है किसी के लिए, जो उसको मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बट स्ट्रेस कई बार नेगेटिव हो जाता है जब एक व्यक्ति लगातार चुनौतियों का सामना करता है बिना किसी रिलैक्सेशन के, एक के बाद एक स्ट्रेसर्स के बीच से गुजरता है। देन स्ट्रेस एक नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस जो होता है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और बहुत सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस बॉडी में लाता है। रिसर्चेस से पता चलता है कि जो स्ट्रेस है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जड़ तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियां जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों की गंभीरता को बढ़ा देता है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां हैं, सबसे पहले डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, कैंसर, लंग डिसीज़, एक्सीडेंट्स, सिरोसिस ऑफ लिवर यानी लिवर डिसीज़ एंड सुसाइड इज़ द वर्स्ट अटेम्प्ट। एक व्यक्ति के द्वारा खुद के द्वारा खुद की ही जान लेना कितना बड़ा स्टेप हो सकता है। इससे हम स्ट्रेस की गंभीरता को समझ सकते हैं। है स्ट्रेस के फर्स्ट ऑफ ऑल वरीज, स्टडी की वरी, स्टडी के बाद जॉब की वरीज, बहुत सारी चीजें होती हैं यंगस्टर्स को जो कि उनके जीवन में स्ट्रेस को प्रेसिपिटेट करती हैं। एक सबसे हर व्यक्ति की लाइफ में एक एक्सपेक्ट करता है वो कि मेरा एक टाइम के बाद ऐसा होगा, मेरा एक टाइम के बाद ऐसा होगा। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस। फैमिली का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर टू डू वेल, उनकी एक्सपेक्टेशन पे अगर खरा नहीं उतर सकता व्यक्ति तो भी स्ट्रेस है। सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, इनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। कई बार ये स्ट्रेस बहुत नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब तक जॉब नहीं है, घर में पैसे की प्रॉब्लम है, ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लैक ऑफ टाइम, एक्चुअली जो यंगस्टर्स होते हैं वो टाइम मैनेज नहीं करते हैं ज़्यादा अच्छे से, और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, या तो स्टडीज़ में टाइम ज़्यादा होता है या किसी और चीज़ में टाइम ज़्यादा होता है। तो लैक ऑफ टाइम जो है वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिससे हम जो चीज़ें चाहते हैं जिस तरीके से होना, चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाती हैं और वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप का और स्ट्रेस का बहुत बड़ा रिलेशन है। स्लीप बहुत सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो हमेशा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लोग उसमें बिजी रहते हैं, काफ़ी रात रात तक सो नहीं पाते हैं, या अदर कोई रीज़न भी हो सकता है। तो लैक ऑफ स्लीप इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस इन यंगस्टर्स।
लंबे समय तक जब स्ट्रेस बॉडी में रहता है तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसमें सबसे पहले है सिर चकराना, जनरल एक्स पेन्स रहेंगे, दांत मीसना और जबड़ों में जकड़न, जनरली ये रात के समय देखा जाता है। हेडेक बहुत कॉमन स्ट्रेस का एक सिम्टम है हेडेक। इंडाइजेशन रहता है व्यक्ति में, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, या तो डायरिया या फिर एसिडिटी इस टाइप से रहता है। इंक्रीज और लॉस ऑफ एपेटाइट, या तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या भूख बहुत ज़्यादा घट जाती है। सेक्सुअल डिफिकल्टीज, मस्कुलर टेंशन, मांसपेशियों में तनाव देखा जाता है, स्पेशली गर्दन, हमारे फेस और हमारे शोल्डर्स के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं अगर उनमें तनाव है तो ये स्ट्रेस की तरफ व्यक्ति जा रहा है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं ड्यू टू वरीज, नींद प्रॉपर ना आना, हार्ट रेट का बढ़ना, हथेलियों में ठंडापन और पसीना, ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सिम्टम बोलेंगे इसको हम, थकान, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, एक शिवरिंग सेंसेशन, ट्रम्बलिंग शेकिंग, शिवरिंग व्यक्ति में होती है, कोई भी चीज़ को एकदम करने में हड़बड़ाना, शिवरिंग। ये वेट लॉस और वेट गेन, अगेन ये मैं बोलना चाहूँगी जो अभी मैंने अभी तुरंत बताया कि या तो ओवर ईटिंग करता है या अंडर ईटिंग करता है, तो इससे रिलेशन है वेट लॉस और वेट गेन का। अपसेट स्टमक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डायरिया के पेशेंट होते हैं ये जिनको स्ट्रेस रहता है। सो हेयर आर सम टिप्स, ये डाइटरी टिप्स नहीं है, ये आपके नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आप क्या मॉडिफाई करोगे तो आप स्ट्रेस की कंडीशन से बच सकते हैं। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो किस तरीके से इन टिप्स को अपने ऊपर अलाउ करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने एक नज़रिया सकारात्मक नज़रिया रखें। सकारात्मक नज़रिया आपको कई प्रकार की स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए बहुत हेल्प करेगा। हर चीज़ हमारे बस में नहीं है, हर कुछ जो हम सोचते हैं जैसा है वैसा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि हाँ हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल द थिंग्स। अगर आप एक बार अपने नेचर में ये चीज़ को अपना लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ स्ट्रेस से बच सकते हैं। कई बार हर जगह पर हम अपना जो हमारे विचार हैं वो हम खुल के रखते हैं और कई उसके कारण और जो लोग विरोध करते हैं उससे हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो हर हर जगह पे हमको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हम एक्सेप्टिव होकर भी अपने उन विचारों को अपना सकते हैं और अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं लाइक योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनसे भी हम चाहें तो स्ट्रेस से बच सकते हैं। एक्चुअली इनसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो ब्रेन तक जो न्यूरॉन का ट्रांसमीटर होता है वो मतलब ब्रेन तक मैसेज अच्छा जाता है और एक हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है। तो एक्सरसाइज रेगुलर करें, हेल्दी और वेल बैलेंस्ड डाइट हमेशा आपको स्ट्रेस से बचने में हेल्प करेगी, बिकॉज ये हमेशा हमको ऐसे हमेशा हम हेल्दी डाइट से ही इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। टाइम को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार हड़बड़ाहट में बिना प्लानिंग की चीज़ें करते हैं तो हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं, सो लर्न टू मैनेज योर टाइम। इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो ये हमने बात की थी अभी जस्ट फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण जो स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने बताया था आपको सिर चकराना, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि स्ट्रेस का एक नकारात्मक जो पहलू होता है, डिस्ट्रेस जो होता है ये हमको बहुत सारी दूसरी इमोशनल प्रॉब्लम्स में लाता है, जैसे डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, वरी। जनरली एंजाइटी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है आजकल और लोग उसको स्ट्रेस के बिहाफ में यूज़ करते हैं कि स्ट्रेस है यानी एंजाइटी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंजाइटी इज़ द मोर डिफ्यूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। सो एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, आगे जाके ये एंजाइटी में परिवर्तित होता है। तो इस यहाँ पे एंजाइटी और स्ट्रेस में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ना। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट के बारे में आजकल बहुत से लोग जानते हैं और बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारा सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगी कि जो बैलेंस डाइट होती है, एक बैलेंस डाइट में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिंस, मिनरल्स, वाटर, वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है ना,
और ये सारा जो है ये अगर हम अच्छी क्वांटिटी में अच्छी मात्रा में, अच्छी मात्रा मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में अगर हम ले रहे हैं, तो ये वेल बैलेंस डाइट हमेशा हमको स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाएगी। कई बार एक सिंपल अच्छा खाना ही हमारे मूड को ठीक कर देता है। तो यस, यह फूड और मूड के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, फूड और मूड का एक रिलेशन है। तो न्यूट्रिएंट्स, सारे ही न्यूट्रिएंट्स स्ट्रेस को बस्ट करते हैं, स्ट्रेस के लिए हेल्पफुल हैं, बट कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं जिनको हम डाइट में अगर अच्छी क्वांटिटी में शामिल करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन से हमको बचाते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेस बस्टर्स चार बेस पे काम करते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन एक हार्मोन, एक केमिकल होता है, हार्मोन नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन में होता है और ये हमको हैप्पीनेस का एहसास दिलाता है, ब्रेन को काम करता है। सो ये स्ट्रेस बस्टर सेरोटोनिन के लेवल को बूस्ट करते हैं। हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स स्पेशली कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इनके स्तर को ब्लड में कम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को और एक्टिवेट करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं। लोअर इन द सेंस कंट्रोल करते हैं, जितना होना चाहिए उतना करते हैं। तो इनके बारे में अगर हम जानकारी दें, सबसे पहले आता है विटामिन सी। विटामिन सी आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज इन प्रेजेंट सिनेरियो कोविड एंड ऑल, तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा नाम सुनने में आता है। विटामिन सी एक्चुअल में जो हमको मिलता है वो हमको खट्टे फलों से मिलता है। अगर हम एक आम भाषा में बात करें तो संतरा, नींबू, मौसमी, इनसे हमको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कॉर्टिसोल के लेवल को घटाता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से विटामिन सी का अगर हम डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हमको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर रिच होते हैं ये, जनरली इसके अंदर होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। ये ब्रेन में जो केमिकल होता है सेरोटोनिन, उसके लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रेसफुल कंडीशन से हमको बचाते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मिनरल है, खनिज लवण है, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी कम मात्रा भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैग्नीशियम का हेडेक पे बहुत अच्छा रोल है, सिर दर्द में, थकान में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए मैग्नीशियम हमारी स्लीप की क्वालिटी, हमारी नींद की क्वालिटी, अगर हम मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में खाने के थ्रू ले रहे हैं तो ये हमारी नींद की क्वालिटी को यानी कि स्लीप को हमारी साउंड स्लीप में कन्वर्ट करता है। मेनली जो मैग्नीशियम के सोर्सेज होते हैं वो हरी भाजियाँ, हरी पत्तेदार भाजियाँ जो कि हमको ठंड के दिनों में मिलती हैं, पालक, मेथी, इनमें तो होता ही होता है। साथ ही साथ ये एलमंड्स में और सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में स्पेशली सैल्मन फिश जो होती है वो मैग्नीशियम में काफ़ी रिच होती है। ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, ओमेगा थ्री ये भी बहुत एक वेल नॉन टैटू टाइप का बन गया है, वेल नॉन। ओमेगा थ्री जो है, ओमेगा थ्री के बहुत सारे फंक्शन हैं, अनगिनत फंक्शन है हमारी बॉडी में, बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पे स्ट्रेस के विहाप में ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स के लेवल को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन से बचाता है, एंजाइटी से बचाता है। मेनली इसके जो मुख्य सोर्स हैं वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में सैल्मन और टूना इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा सीड्स में मिलता है, ये सीड्स जो होते हैं फ्लैक्स सीड जिसको हम बोलते हैं, अलसी, पिस्ताचियो पिस्ता में मिलता है, ये ड्राई फ्रूट्स जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अखरोट जो होता है, बादाम होता है, इन सब में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिंक, जिंक एक मल्टी फंक्शनल, एक वर्सेटाइल मिनरल है, बहुत सारे फंक्शन है, स्पेशली ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है, एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन तक मैसेज को पहुँचाता है, तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक के मेन सोर्सेस हैं डार्क चॉकलेट, हमेशा मूड के लिए डार्क चॉकलेट्स का नाम आपने सुना होगा, डार्क चॉकलेट्स के लिए बहुत अच्छा चीज है। अलसी के बीज, तिल के बीज, कद्दू के बीज, लहसुन, पंप वाटरमेलन सीड, वाटरमेलन जो कि गर्मी के समय में मिलता है, उस तरबूज के बीज, ये बहुत अच्छे सोर्सेस है इसके। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल है, ये इन्फ्लामेशन जो होता है हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन्स में ड्यूरिंग मूड डिसऑर्डर, जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारे ब्रेन में कई बहुत सारे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन देखे जाते हैं,
तो ये उसको प्रिवेंट करता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है ये, और सेल डैमेज को प्रिवेंट करता है। तो इस कारण से ये बहुत, इसका बहुत अच्छा रोल है। इसको हम फार्मेकोलॉजी में भी इसका यूज मूड के लिए दिया जाता है, एंजाइटी वगैरह में दिया जाता है। इसके मेन सोर्सेस नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है, फिश है, चिकन है, बीफ है, मटन है, इन सब में तो ये पाया जाता है। वेजिटेरियन सोर्सेस में इसका मेन जो है लहसुन वगैरह है, टमाटर है, इनमें ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो डाइट इज वेरी ह्यूज, वी कांट स्टॉप हेयर, बट फॉर टूडे इट्स ऑल फॉर टूडे। और मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि ईट वेल, ड्रिंक वेल एंड स्ट्रेस लेस। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने जिस तरीके से सारी चीज़ों को एलाबोरेट किया है, समझाया है, मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान भी जिस तरीके से आपने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, इट विल हेल्प देम अ लॉट कि वो इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या में लाते हैं, रूटीन में लाते हैं, और जो भी बातें आपने कही हैं अगर उसको फॉलो करते हैं तो आई होप दे विल एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ देम एंड दे वुड लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स, एंड आई होप इस तरीके के वीडियोस हम आने वाले टाइम में भी पोस्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, और अगर जान अच्छी से अपने को मेंटेन करना है तो मुझे लगता है कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ गेस्ट एट फ्रेश लर्निंग अकेडमी। वी होप टू सी, थैंक यू, एंड वी होप टू सी यू अगेन इन फ्यूचर। थैंक यू।